मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। दोस्तों कोशिश करने का टाइम आ गया है। SSC GD 2022 का दोस्तों एग्जाम डेट आ गया, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपको पहले ही आपको बता दिया था कि जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया था कब होगा, किस तारीख से होगा। दोस्तों उसका डेट अभी आ गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दो एग्जाम डेट है वो 10/1/2023 से लेकर 14/2/2023 तक चलेगा। दोस्तों यानी कि 10 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम होगा SSC GD का, और कब तक होगा? 14 फरवरी 2023 तक। इसलिए दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आज है 24 नवंबर, आज है 24 नवंबर, तो आप सोचिए कितना दिन है, लगभग 45 दिन है। 45 दिन में आपको आपका भविष्य मिल जाएगा, आपको अपना फ्यूचर मिल जाएगा। इस 45 दिन में आपको ज़ोरदार तरीके से मेहनत करना होगा। दोस्तों SSC GD 2021 का रिजल्ट आ गया, जिसमें आपके गाँव के बहुत सारे लड़के पास हो गए और उसमें उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया। दोस्तों आपके अंदर जो आग लगी है ना अभी, उस आग को आपको बुझने नहीं देना, बस 45 दिन का बात है। 45 दिन आप लोग जी तोड़ से मेहनत कर दीजिए और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आपका फिर जॉब हो जाएगा। आपका जो सपना है ना गवर्नमेंट जॉब पाने का, बॉर्डर पर लड़ने का, आपको सैनिक बनने का, सेना बनने का, वो सपना आपका अभी पूरा होने वाला है दोस्तों। मात्र 45 दिन, बस इसी दिन आपको मेहनत करना है। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़ोरदार तरीके से मेहनत कर दीजिए, पूरा तरीके से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं है, आपको आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम का जो फॉर्म नहीं भरे हैं, जो भी विद्यार्थी अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं, अभी भी 30 तारीख तक डेट है, फॉर्म जल्द से जल्द भर दो भाई, क्योंकि नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फटाफट भर दो फॉर्म, आज ही जाओ, आज ही भर दो, क्योंकि इसमें बहुत ही एकदम हम लोग क्लोज डेट आ गया, डेट आ गया देखिए एग्ज़ाम का। दोस्तों आप लोग ज़ोरदार तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SSC GD का एग्ज़ाम बहुत ही आसान है, आप आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना और लगातार मेहनत करना। अभी जो 45 दिन आपको बचा, इस 45 दिन में आपको दिन रात पढ़ाई करना है, कहने का डेली आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग एक टेस्ट दीजिए रोज़, जितना भी टेस्ट सीरीज का जो बुक है उसे आप खरीद लीजिए, या फिर ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक आपका जो तैयारी है उसे आप रख नहीं पाएगी कितना आपका तैयारी है। इसलिए रोज़ टेस्ट दीजिए, रोज़ इतना घंटा पढ़ाई कीजिए, आपका कन्फर्म हो जाएगा। लगातार मेहनत कीजिए दोस्तों, बहुत ही कम समय, और इस कम समय में आप अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, और आपका जो सपना गवर्नमेंट जॉब पाने का, सेना में जाने का, आर्मी में जाने का, वो सपना आपका पूरा होने वाला है। इसलिए दोस्तों इसको आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, जो भी नहीं भरे हैं, और जो भरे हैं वो जोरदार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लोग बुक खरीद लीजिए, या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन सही से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई अगर आप सही से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों बहुत ही जल्द, इसका मतलब अभी तो हम लोग एग्ज़ाम डेट दिया है, उसके बाद फिजिकल का भी जल्दी बुला लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसलिए दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बस आपको लगातार मेहनत करना है, बुक खरीद लीजिए अगर बुक नहीं है तो, क्योंकि टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। टेस्ट दीजिएगा तभी आपको अपना जो लेवल है ना, कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपको दिमाग में जा रहा है, ये सारा चीज़ आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। सीट जो मैं बता दूँ वो है 24,369, अच्छा खासा सीट है, आराम से आप निकाल सकते। आपका भाई बहन का जो इस बार हुआ है, उन लोगों के चलते जो आपके अंदर आग लगी, उस आग को आप बना के रखिए, बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो CBT से एग्ज़ाम तो हो रहा है, साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो पैटर्न बदल करके 80 क्वेश्चन रखा गया है, 80 क्वेश्चन है, 80 में हर क्वेश्चन में 2 मार्क आपको मिलने वाला है, और 0.50 मार्क्स आपका कटने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए नेगेटिव से बचना है। कि बहुत सारे बच्चे तो अच्छा खासा बना लेते हैं, सही भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गलती कर देते हैं। इतना गलती आपको नहीं करना है, आपको नेगेटिव मारना ही नहीं, कोशिश कीजिए कि नेगेटिव जाए ही नहीं, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अगर आप 60 भी क्वेश्चन अगर सही से आप बना लेते हैं तो आपका चांसेस है आपको मतलब एग्ज़ाम आप निकाल लीजिएगा। इसलिए दोस्तों सही से पढ़ाई कीजिए, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान दीजिएगा, उसमें ज़्यादा आप नेगेटिव नहीं कीजिएगा, और तैयारी सही से कीजिएगा तो आपका डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि अभी बहुत ही सुनहरा चांस मुझे लगा, क्योंकि इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आपके अंदर जो आग है ना वो लग जाए, क्योंकि जो आग लगी वो और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 45 दिन है। इसी 45 दिन में आपका फ्यूचर तय होने वाला है, आपके सपने साकार होने वाले हैं इस 45 दिन के अंतर्गत। इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जो भी नहीं पढ़ते हैं पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप लोग डेली सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार जो हम लोग का जो जीके जनरल अवेयर से हम लोग का 20 क्वेश्चन है, हम लोग का GS से 20 क्वेश्चन है, मैथ से 20 क्वेश्चन है, और हम लोग का हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग का कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में 160 मार्क होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग हम लोग का मतलब हाफ रखा गया है, 0.50, यानी 2 अगर आप गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और तैयारी सही से कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का इस बार निकला हुआ है, तो रेखित का जो
आप लोग जानते ही होंगे कितना कोई निकल गया, इसलिए आपका भी निकलेगा। ज़्यादा दिन थोड़े ना, 45 दिन का तो बात ही है। लगातार मेहनत कर दीजिए, अभी थोड़ा घूमना वूमना बंद कर दीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर आपका तो नौकरी रखा हुआ है। इसलिए दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मेहनत ही नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से मेहनत करेंगे तो हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों एग्जाम जो होगा वो 1 घंटे का होगा, 1 घंटे में आप लोग को कितना क्वेश्चन बनाना है, आप लोग को 80 क्वेश्चन बनाना है, इसलिए आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट आप डेली कीजिए, टेस्ट आप डेली लगाइए, इसे पता चलेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। जो भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरे हैं उनका डेट 30/11 तक है, और दोस्तों अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो SSC 2022 का स्पेशल वीडियो मैं बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ हम लोग बात किए हैं कि हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, कितना हम लोग रनिंग करना पड़ेगा, कैसा एग्जाम होगा, कौन कौन सा टर्म एंड कंडीशन है, ये सारा चीज़ मैं उसमें बताया हूँ, उस वीडियो का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस सुनहरा मौका का फ़ायदा उठाइए, तैयारी में लग जाइए, सुबह उठिए और लगातार तैयारी कीजिए। आपको ये इधर उधर घूमना ही नहीं, क्योंकि आपके बहुत ही कम समय है, उस कम समय में आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, और अच्छा रिजल्ट आएगा बस आपको मेहनत करना होगा। इसलिए दोस्तों मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।